सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ लॉजिकल फंक्शन के बारे में। अगर लॉजिकल फंक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इसका क्या वर्क होता है, इसके बारे में आज हमको क्लास में समझना है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यूज ऑफ लॉजिकल फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन का प्रयोग अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे होता क्या है कि जैसे मान के चलिए एक मॉल में जाते हैं हम कोई सामान वामान खरीदने के लिए, तो उस केस में जो है जैसे बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं और वो डिस्काउंट के बारे में हमको उसमें आइडिया नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि बहुत सारा डिस्काउंट जो हमको मिलता है वो कंडीशन के बेस पे डिस्काउंट दिया जाता है कि कब हम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारे मॉल का रूल क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, इस तरीके से हम बात करें लॉजिकल फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि कस्टमर नेम दिया हुआ है, टोटल बिल दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन भी दिया हुआ है, तो किस केस में हमको डिस्काउंट प्राप्त होता है उसी को आज हम बताने वाले हैं। अभी लिखो मत, क्यों लिख रही हो, नहीं आवाज नहीं आ रहा है? नहीं नहीं तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मान के चलिए कि कस्टमर नेम दिया हुआ है, टोटल बिल दिया हुआ है, और उसके बाद से यहाँ पे प्रोडक्टों की संख्या दिया हुआ है, और फिर इसी के आधार पे यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया गया है। जैसे पहले में कह रहा है कि मतलब अगर कस्टमर का बिल 5,000 से ज्यादा हो तो इस केस में 10% डिस्काउंट मिले। फिर सेकंड कह रहा है कि यदि कस्टमर का बिल 10,000 या 10,000 हो, 10,000 के ऊपर हो, या प्रोडक्टों की संख्या 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो, तो उस केस में उसको 20% डिस्काउंट मिल जाए। और फिर तीसरा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि कस्टमर का बिल 20,000 से ज्यादा हो और प्रोडक्टों की संख्या 10 के बराबर हो या 10 से ऊपर हो, तो इस केस में उसको 30% डिस्काउंट देना है। तो होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि मॉल में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, कोई सामान सस्ता होता है तो पैसा हम कम देते हैं तो ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, कोई सामान महंगा होता है तो पैसा ज्यादा मात्रा में देते हैं तो सामान हमको कम मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मान के चलिए कि मोहन है, ये मान के चलिए कि 1,000 रुपये लेकर के गए और इनको मात्र 2 प्रोडक्ट मिला। फिर इसी तरीके से सोहन है, ये 60,000 रुपये लेके गए थे, इनको मात्र और मात्र 5 प्रोडक्ट मिला। और ये राम है, ये 12,000 रुपये लेकर के गए थे, इनको मात्र 6 प्रोडक्ट मिला। और फिर पंकज हैं तो 4,999 रुपये लेके गए थे, इनको मात्र 8 प्रोडक्ट मिला। तो इसी के बेस पे हमको क्या करना है, फार्मूले का प्रयोग करके देखना है कि किस तरीके से हम इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है सबसे पहले कि अगर कस्टमर का बिल 5,000 से ज्यादा हो तो उस केस में कस्टमर को डिस्काउंट कितना देना चाहिए, 10% डिस्काउंट देना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा कस्टमर है जो 5,000 से ऊपर की खरीदारी किया है तो उस केस में हम उसको डिस्काउंट देंगे कितना परसेंट, 10%। तो जैसे पहला वाला ऑप्शन में देखिए आप, जैसे मोहन का है, मोहन मात्र 1,000 रुपये का खरीदारी किए हैं और वो भी 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 0% मिला हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे सोहन है तो 5,000 से ज्यादा खरीदारी की है तो इनको इनको यहाँ पे 10% मिल गया, क्योंकि फार्मूला कह रहा है कि अगर 5,000 से ज्यादा खरीदारी किए हो तो इस केस में उनको 10% देना है। अगर 5,000 से कम है तो 10% नहीं मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि सोहन टोटल इनका बिल अमाउंट है 60,000 रुपये, इस वजह से यहाँ पे इनका अमाउंट कितना आया है, इनको डिस्काउंट कितना मिला है, 10% मिला हुआ है। तो चलिए इस फार्मूले को हम देखते हैं कैसे मिलेगा। इसमें एक और ऑप्शन बता देते हैं, फिर सेकंड यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है कि यदि कस्टमर का बिल 10,000 से ज्यादा हो, 10,000 से ज्यादा हो, और फिर कह रहा है कि या प्रोडक्टों की संख्या 5 के बराबर हो या 5 से ऊपर हो, तो उस केस में इसको 20% डिस्काउंट देना है। मतलब क्या, यानी कि अगर कस्टमर का अगर बिल है और 10,000 से ऊपर का खरीदारी वो किया है तो भी उसको 20% मिल जाएगा, या अगर 5 प्रोडक्ट के बराबर खरीदा है या 5 से ऊपर खरीदा है तो उस केस में भी उसको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि कंडीशन 2 अप्लाई किया जा रहा है और दोनों कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो होता है तो इस केस में यहाँ पे 20% इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 0% आया हुआ है, क्यों आया हुआ है,
क्योंकि देखिए यहाँ पे 10,000 से नीचे की खरीदारी भी किया है और प्लस 5 प्रोडक्ट से नीचे भी खरीदा, इस वजह से यहाँ पे 0 आ गया। और वही प्रोडक्टों की संख्या में अगर 5 रहता तो यहाँ पे इसको 20% मिल जाता, तो ना तो प्रोडक्ट की संख्या मैच कर रहा है ना तो बिल मैच कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे 0% मिला हुआ। और यहाँ पे 20% मिला हुआ तो किस तरीके से, तो आप खुद देखिए 10,000 से ऊपर की खरीदारी किया है और प्लस 5 प्रोडक्ट भी खरीदा, इस वजह से यहाँ पे 20% इसको मिल गया। तो इसमें ये कह रहा है कंडीशन कि अगर ये 5,000 रुपए से खरीदारी किया हो या 5 प्रोडक्ट के ऊपर खरीदा हो या 5 प्रोडक्ट के बराबर खरीदा हो तो इस केस में इसको 20% मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए पंकज का, देखिए आप लोग 4,999 रुपए का खरीदारी किया है, यानी कि 10,000 से कम है, लेकिन ये प्रोडक्ट 5 से ज्यादा खरीदा है तो इसको मिल गया कितना परसेंट, 20% मिले। अब देखिए तीसरा कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि अभी मैंने यहाँ पे बताया सबसे पहले यहाँ पे आर के बारे में बताया, तो आर का मतलब ये होता है कि दोनों में कोई भी कंडीशन आपका मैच होता है तो 20% मिल जाएगा। और तीसरा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि कस्टमर का बिल 20,000 से ज्यादा हो, यदि कोई ऐसा कस्टमर है 20,000 रुपए से ज्यादा खरीदारी किया हो और प्रोडक्टों की संख्या 10 के बराबर हो या 10 से ऊपर हो, यानी कि इसमें जब तक दोनों कंडीशन मैच नहीं करेगा तब तक इसको 30% नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें कह रहा है कि कस्टमर का जो बिल अमाउंट होना चाहिए वो 20,000 से ऊपर होना चाहिए प्लस 10 प्रोडक्ट के बराबर खरीदा होना चाहिए और 10 से ऊपर खरीदा होना चाहिए, तब जाकर के इसको 30% मिलेगा। तो ये क्या होता है, सारे मॉल की कंडीशन होती है कि हम कस्टमर को डिस्काउंट दें, इसके लिए कई सारे नियम और शर्तें होती हैं। अगर उस नियम और शर्तें के हिसाब से अगर हम फॉलो करते हैं तो वो डिस्काउंट हमको प्राप्त हो जाता है, अगर नहीं प्राप्त करते हैं, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो उतना डिस्काउंट हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो चलिए जैसे यहाँ पे देखिए 0% आया हुआ है, क्यों 0% आया, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दिया जा रहा है और दोनों कंडीशन कंपल्सरी है, और इसमें दो कंडीशन इसमें भी दिया जा रहा है लेकिन कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे कंपल्सरी है, हाँ क्योंकि आर लगा हुआ है और यहाँ पे एंड लगा हुआ है। तो यहाँ पे 0% इसलिए आया है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बिल की संख्या भी 20,000 से कम है और प्रोडक्ट की संख्या भी 10 से कम है, इस वजह से यहाँ पे 0% मिला हुआ है। हाँ भाई यहाँ पे देखिए 30% मिला हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20,000 से ऊपर की खरीदारी भी किया है और प्लस 10 के बराबर या 10 से ऊपर भी खरीदारी किया है, इस वजह से यहाँ पे इसको 30% मिल गया। लेकिन कैसे करेंगे तो चलिए इस फार्मूले को हम सॉल्व करके बताते हैं। कंडीशन को समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत, अब चलिए फार्मूले को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो आपका हेडिंग है वही आपका फार्मूला है, अगर आपको हेडिंग समझ में आ जाएगा तो फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा, हेडिंग नहीं समझ में आएगा तो फार्मूला नहीं समझ में आ पाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम फार्मूले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन देना है किसके लिए, 5,000 से ज्यादा के लिए, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है टोटल बिल, तो बिल को ही सिलेक्शन करेंगे और कितना के बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 5,000, यानी कि 5,000 से अगर बड़ा है तो इस केस में इसको डिस्काउंट दे दे कितना परसेंट, 10% हम डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है 10% इसको डोनेटेड कामा में रखेंगे क्योंकि ये क्राइटेरिया है। अगर इस केस को कोई फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पे हम उसको डिस्काउंट दे देंगे 0%, इसमें हम ले लेंगे 0%, इसको भी डोनेटेड कामा क्लोज कर देंगे और ब्रेकेट यहाँ से क्लोज कर देंगे। हाँ, जैसे हेडिंग है बस उसी को फार्मूला में लिख देना और कुछ नहीं, अब एंटर कर देना है। देखिए इसमें 0% आ गया, क्यों, क्योंकि 5,000 से कम खरीदा, और सेकंड में क्या आ जाएगा, सेकंड में 10% आ जाएगा क्योंकि ये 5,000 से ज्यादा खरीदा है, बस यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। देखिए सब में आ गया, इसमें 0% आ गया क्यों, क्योंकि 4,999 ही लिखा हुआ है और हमने कंडीशन दिया कि 5,000 से अधिक का खरीदारी किया हो तब जाकर के इसको 10% मिलेगा, 1 रुपये भी कम है तो इसमें 0% आ गया, अगर 5,000 होगा तो भी 0% आ जाएगा क्योंकि 5,000 से ऊपर के किया गया है खरीदारी, 5,000 एक रहेगा तो 10% आ जाएगा, ये पहला कंडीशन मैंने बताया। अब चलिए सेकंड कंडीशन में हम चलते हैं।
सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि यदि कस्टमर का बिल 10,000 से ज्यादा हो और प्रोडक्ट की संख्या, चूंकि या प्रोडक्ट की संख्या 5 के बराबर या 5 से ऊपर हो, इस केस में डिस्काउंट 20% मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे इक्वल करते हैं, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बिल पूछ रहा है तो बिल को सिलेक्शन करेंगे और फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा करके कितना लिखना है, 10। लेकिन इसमें एक चीज और देखिए, इसमें आर भी दिया हुआ है ना, यानी कि दो कंडीशन दिया हुआ है, तो दोनों कंडीशन को हम पहले ही अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे आर और तब जाकर के ब्रेकेट हम यहाँ से ओपन करेंगे। दोनों कंडीशन पहले हम लगाएंगे। अब कह रहा है कि बिल को सिलेक्शन करिए, तो यहाँ से हम बिल को सिलेक्शन कर लेंगे और ग्रेटर देन कितना, 10,000। यहां पे ले लेंगे 10,000, ठीक है, और फिर नीचे कामा करेंगे। और फिर इसके बाद से दे रहा है प्रोडक्टों की संख्या कितना के बराबर हो, 5 के बराबर या 5 से ऊपर हो, तो इसके लिए किसको सेलेक्ट करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट को सिलेक्शन करेंगे। और यहां से सिंबल लगा लेंगे ग्रेटर देन और यहां पे लगा लेंगे क्या, इक्वल टू, यानी कि प्रोडक्टों की संख्या 5 के बराबर हो या 5 से ऊपर हो, तो यहां से हम ब्रेकेट को यहाँ क्लोज कर देंगे। ब्रेकेट यहां से हम क्लोज करेंगे और पहले अभी मैंने केवल कंडीशन अप्लाई किया, अब पुनः नीचे कामा करेंगे। अब इसको कितना देना है, 30%, सॉरी 20%, 20% यहाँ पे लिख लेंगे और एडमिटेड कामा क्लोज कर देंगे और पुनः नीचे कामा करेंगे। यदि फॉलो नहीं करता है तो उसको मिल जाएगा कितना परसेंट, 0%। यानी कि एक में तो केवल मैंने केवल कंडीशन दिया और सेकंड में जो हमारा वैल्यू आना चाहिए वो मैंने वैल्यू अप्लाई किया। यानी कि मैंने सबसे पहले लिखा इक्वल इफ, आर मैंने लिख दिया और ब्रेकेट मैंने ओपन कर दिया और E9 मतलब मैंने सिलेक्शन किया किसको, टोटल बिल को, और यहाँ से ग्रेटर देन में मैंने दिखा दिया कितना, 10,000। पुनः मैंने नीचे कामा किया और सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्टों की संख्या होना चाहिए 5 के बराबर या 5 से ऊपर, इसलिए डिफरेंट प्रोडक्ट को सिलेक्शन करेंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा करके कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे और यहीं से हम ब्रेकेट क्लोज कर देंगे। अब इसमें क्राइटेरिया क्या देना चाहते हैं, तो अगर इस रूल का कोई फॉलो करता है, अगर ये कंडीशन किसी को फॉलो करता है तो उस केस में इसको 20% मिल जाए, अगर नहीं करता है तो कितना परसेंट मिले, 0%। बस एंटर कर दीजिए। अब चलिए इसको हम ड्रैग कर देते हैं। आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं इसमें फर्स्ट में अगर 0 आया तो क्यों आया, क्योंकि ये 5 से बराबर भी नहीं खरीदा है और 5 के ऊपर भी नहीं खरीदा है, पहला कंडीशन भी मैच नहीं किया। और दूसरा कंडीशन अगर हम देखेंगे तो 5,000 सॉरी 10,000 से ऊपर की खरीदारी भी नहीं किया है, यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। यानी कि दोनों कंडीशन में अगर कोई एक भी केस में फॉलो होता तो इस केस में 20% इसको मिल जाता, लेकिन दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा, इस वजह से यहाँ पे 20% सॉरी 0% मिला हुआ है। अब चलिए सेकंड में यहाँ पे देखिए, 5 के बराबर या 5 से ऊपर ये मैच किया, और दूसरा देखिए यहाँ पे 10,000 से ऊपर या 10,000 के बराबर यहाँ पर भी मैच किया, इस वजह से यहाँ पे 20% मिल गया। अगर यहाँ पे प्रोडक्टों की संख्या कम होता तो भी यहाँ पे 20% मिल जाता, क्यों, क्योंकि आर का सिंबल दिया हुआ है और आर का मतलब ये होता है कि दोनों में कोई एक कंडीशन अगर फॉलो हो जाता है तो इस केस में 20% इसको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4,999, यानी कि 10,000 से नीचे की खरीदारी है और प्लस 5 से ऊपर प्रोडक्ट खरीदा, इस वजह से यहाँ पे 20% इसको मिल गया। समझ में आया। अब हम चलते हैं तीसरा कंडीशन के बारे में, और तीसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहे हैं। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि कस्टमर का बिल 20,000 से ज्यादा हो, यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो 20,000 से ऊपर की खरीदारी किया है और एंड का मतलब होता है और प्रोडक्ट खरीदा हो 10 के बराबर या 10 से ऊपर, तो इस केस में इसको डिस्काउंट कितना परसेंट मिलेगा, 30%। यानी कि जब तक ये दोनों नियम फॉलो नहीं होगा तब तक इसको 10% डिस्काउंट नहीं मिल सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड का सिंबल लगा हुआ है और यहाँ पे आर का सिंबल लगा था, तो आर का मतलब जैसे मान के चलिए कि दो क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो दो क्वेश्चन में दिया जाता है कि जैसे या तो आप फर्स्ट वाले को करिए या तो आप सेकंड वाले को करिए,
जो हमको इजी लगता है उसमें किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आर के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि आर दिया हुआ है। आर का मतलब ये हुआ कि या तो कस्टमर का बिल मैच करें या डिफरेंट प्रोडक्ट मैच करें, तब जाकर के यहाँ पे 20% मिल जाएगा। और यहाँ पे दिया है एंड का सिंबल, मतलब कस्टमर का बिल भी मैच करना चाहिए और कस्टमर का प्रोडक्ट भी मैच करना चाहिए, तब जाकर के 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए सेम फार्मूला है, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, क्या करेंगे इक्वल करेंगे, और यहाँ पे इफ लिख लेंगे, और यहां से हम ब्रेकेट ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे सेकंड क्या लिखा हुआ है, एंड भी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एंड भी लिख लेंगे और भी ब्रेकेट ओपन कर लेंगे। और इसमें पूछ रहा है सबसे पहले किसको लेना है, बिल को लेना है, क्योंकि बिल ही दिया हुआ है। यहाँ पे बिल अमाउंट को हम सिलेक्शन करेंगे और ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, कितना से बड़ा होना चाहिए, 20,000 से बड़ा होना चाहिए, मैंने यहाँ पे 20,000 लिख लिया। फिर से नीचे कामा करेंगे, अब पूछ रहा है क्या, डिफरेंट प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो किसको सिलेक्शन करेंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ से हम सिंबल लगा लेंगे क्या, ग्रेटर देन, और यहाँ पे लगा लेंगे इक्वल, और कितना 10, यानी कि कंडीशन यहाँ पे दे रहा है सबसे पहले, और यहाँ से हम ब्रेकेट को क्लोज कर देते हैं। देखिए इसमें कंडीशन दिया है कि इफ का मतलब यदि, एंड का मतलब और, यदि कस्टमर का बिल 20,000 से ज्यादा हो और प्रोडक्टों की संख्या 10 के बड़ा हो या 10 के बराबर हो, तो इस केस में यहां से हम नीचे कामा करेंगे, डॉटेड कामा में लिख लेंगे कितना परसेंट, नीचे कामा और डॉटेड कामा में लिख लेंगे 30%। अगर कोई इस रूल का फॉलो करता है, यानी कि अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो प्रोडक्टों की संख्या उसका कितना हो, 10 के बराबर हो या 10 से ऊपर हो, और 20,000 से ज्यादा का खरीदारी किया हो, तो उस केस में उसको डिस्काउंट मिले कितना परसेंट, 30%। तो यहां से हम 30% लिख देंगे। अगर इसका कोई फॉलो नहीं करता है तो इस केस में मिल जाए 0%, 0% यहाँ पे लिख लेंगे, और यहां से डॉटेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रेकेट क्लोज करके एंटर। अब देखिए फर्स्ट में 0% आया, इस तरीके से हम समझेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20,000 से ज्यादा की खरीदारी भी नहीं किया है, और प्लस 10 के बराबर भी प्रोडक्ट नहीं है, 10 के ऊपर भी प्रोडक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इसको 0% मिल गए। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 10,000 से ऊपर की खरीदारी किया है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 ही प्रोडक्ट खरीदा, तो भी इसको कितना परसेंट मिलेगा, 0% मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम का देखिए 12,000 रुपये की खरीदारी किया है और प्लस 6 प्रोडक्ट खरीदा है, यानी कि दोनों में दोनों केस मैच नहीं कर रहा, इस वजह से यहाँ पे 0% मिलेगा। फिर इसके बाद से पंकज का देखिए 4,999 रुपये का खरीदारी किया है और प्लस 8 ही प्रोडक्ट खरीदा है, इसमें भी 0% मिलेगा। फिर से पूनम 2,000 रुपये की खरीदारी की है और प्लस 9 प्रोडक्ट खरीदी है, तो इसमें भी 0% मिलेगा। क्यों 0 मिला हुआ है, क्योंकि जब तक दोनों केस मैच नहीं करेगा तब तक इसको 30% नहीं मिल सकता। अब देखिए यहाँ पे 30% मिला हुआ है, क्यों, क्योंकि ये 10,000 20,000 रुपये से ऊपर की खरीदारी भी किए हैं और प्रोडक्ट भी खरीदे हैं 10 से ऊपर, इस वजह से यहाँ पे 20% 30% मिल गया। फिर इसी तरीके से इनका देखिए, जैसे कुलदीप हैं, ये 25,000 रुपये की खरीदारी किए हैं, यानी कि 20,000 से ऊपर की खरीदारी भी इनका हुआ है और प्लस 10 से ऊपर भी खरीदारी की है, 10 प्रोडक्ट से ऊपर खरीदे हैं, इस वजह से इनको अमाउंट मिला है, डिस्काउंट मिला है कितना परसेंट, 30%। तो यही फार्मूला है, हम इसी फार्मूले को हम लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। हो जाएगा, इसका यूज हम वहां करते हैं जैसे कंडीशन हमको देना होता है, जैसे कंडीशन के हिसाब से अगर हमको कोई डिस्काउंट देना होता है तो इसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है ना, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग मॉल में किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि कस्टमर अगर खरीदने आ रहा है सामान, तो उस केस में मान के चलिए कि किस कस्टमर को किस हिसाब से उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, ये मॉल वाले आसानी तरीके से इसके बारे में समझते हैं और करते हैं। लॉजिकल फंक्शन इसी को बोला जाता है, यानी कि कैसे प्रोडक्ट वो खरीदेगा, कितने रुपए का खरीदेगा, तो उसके हिसाब से हमको डिस्काउंट पे करना होगा, तो इसके लिए कस्टमर को डिस्काउंट देने के लिए ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। हो जाएगा,